देश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाया गया है राधा स्वामी सत्संग ब्यास में, और यहाँ पर हाउसकीपिंग का काम करने वाले लोगों को पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये सभी लोग अब राधा स्वामी ब्यास आश्रम के गेट के बाहर बैठे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास की, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाउसकीपिंग का काम करने वाले लोग बाहर बैठे हैं। इन लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से इनको सैलरी जो है वो नहीं मिली है, जिससे कि इनको अब आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, और इनकी मांग है कि इनके जो पैसे हैं इनको दिए जाएं, और जब तक इनको पैसे नहीं मिलेंगे ये इसी तरीके से राधा स्वामी बस सत्संग ब्यास के बाहर बैठे रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब हमें पैसे नहीं मिलने की वजह से हमारे जो घर के खर्चे हैं वो नहीं चल पा रहे हैं। आपको बता दें कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इस कंपनी का कॉन्टैक्ट राधा स्वामी सत्संग ब्यास से हुआ था और वो यहाँ पर काम कर रहे थे। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अंदर कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको बनाया गया है, और यहाँ पर तमाम जो कोविड के मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके देख रेख और हाउसकीपिंग का जो अंदर का काम है वो सब यही स्टाफ करता था, लेकिन अब ये स्टाफ सैलरी ना मिलने की वजह से हड़ताल पर है। विनोद कुमार है। विनोद, आज यहाँ पर क्यों आप लोग इकट्ठा हो, क्या दिक्कत क्या हुई? 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और सैलरी भी देते हैं तो रोक रोक के ऐसे 2,000 ले लो, 3,000 ले लो। कितने रुपए सैलरी पे आप लोग यहाँ पर लगे थे और क्या कर रहे थे यहाँ पर आप लोग, काम क्या कर रहे थे? काम हमारा हाउसकीपिंग का काम है, हाउसकीपिंग का काम है हमारा, और कहते हैं कि सबसे पहले सैलरी तुम्हें मिलती है, कोविड-19 में काम करने वालों को सबसे पहले सैलरी मिल रही है, तो हमारे हाथ में तो वो कभी 20 तारीख को कहते हैं, कभी 11 तारीख को कहते हैं, वो टाइम से सैलरी नहीं आ रही, और अब की बार 3 महीने हो चुके हैं जो कि अब की हमारी सैलरी नहीं आई है। कैसे फिर अपने घर का आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? बस किसी से उधार मांगते हैं, किसी से दुकान वाला भी कोई राशन नहीं देने से मना कर रहा है कि भाई पहले तनख्वाह लाओ, पैसे दो जब तुम्हारा राशन मिलेगा, तो हमारे बच्चे क्या तो खाएंगे इसमें, और क्या हम गुजर बसर करेंगे। अच्छा, रेंट पे वैसे रह रहे हैं हम। किस कंपनी के द्वारा आप लोग यहाँ पर जुड़ के लगे थे राधा स्वामी में? एवरग्रीन, वो क्लीन ऑन ग्रीन से। कहाँ पर ऑफिस है और इनसे बात करी तो ये लोग क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? ये बोल रहे हैं कि आजकल में सैलरी दे देंगे, हर रोज यही हो रहा है, 10 तारीख से आजकल हो रहा है। अच्छा, कितनी शिफ्ट यहाँ पर काम करती है आप लोगों के साथ, कितने लोग हैं? कितने फिलहाल 3 शिफ्ट है हमारे साथ, अभी 70 बंदे होंगे, तकरीबन 50 से 70 बंदे के लगभग है, और अभी 3 बजे एक शिफ्ट और आएगी और एक 11 बजे आएगी रात को। अच्छा, जब तक अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आप लोग, काम करोगे कि ऐसे रहेंगे? सर काम करके दे देंगे तो ये सैलरी हमें देंगे ही नहीं, पूरा हिसाब लेंगे हम, हमें सैलरी देंगे नहीं अगर हम काम करके दे देंगे तो, ये तो फिर वही आजकल का चक्कर चला ही रहे हैं ये रोज का। और सुनने में हमें ये भी आ रहा है कि इनके सैलरी आ चुकी है 9 तारीख को ही। किसके द्वारा इनको सैलरी मिलती थी आपकी कंपनी को, किसके द्वारा सैलरी, कौन देता था? एमसीडी के द्वारा, ISL। यहाँ पर कितने दिन से आप काम कर रही थी और सैलरी कब से नहीं मिली आपको? हमें जून से ही लग रही है, अभी तक हम ये टाइम आ लिया, पैसे कोई मिले नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कना अभी 15 तारीख से और कना 20 तारीख तक आ जाएगी तुम्हारी, अभी तो कोई पैसे आए नहीं है, आज 22 तारीख होगी, आज पैसे कोई मतलब नहीं है। तो कैसे काम चल रहा होगा घर का आप लोग? घर के आदमी कहते हैं कहना हम कहाँ जाते हो, कहना हम कमाने जाते हो, कहना हम क्या बैठने जाते हो, कहना जब तुम्हारे पैसे नहीं मिल रहे तो घर बैठ जाओ, फिर कहना हम क्या कर रहे हो, जब तुम सैलरी नहीं मिल रही है तो घर पे हाथ पे हाथ बैठे हुए, तो कहना मैं उनसे कहो कैसे करके सैलरी दे, मैं या हिसाब कर दो, अपना हिसाब करवा लो, या घर बैठो आराम। कोरोना योद्धा की आप लोग भूमिका निभा रहे थे कि कोरोना में सबसे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो पैसे इनके लिए तो ही बोल रहे हैं, जो कहना भाई पैसे तुम दोगे नहीं तो कहना मैं काम कैसे कर पाओगे तुम, घर बैठो फिर इससे बढ़िया। ठीक, किशन आज यहाँ आप लोग क्यों खड़े हो, क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है सर जी, जुलाई से काम कर रहे हैं, अब ये कहते हमारे पैसे के लिए ही हमसे ये कहते हैं कि एडवांस ले लो, ठीक है, और ये हमें सैलरी टाइम से नहीं देते, हमारा दूध वाला दुकान वाला उधार ले रहे हम लॉकडाउन से ही, और इसमें कोविंग सेंटर में काम कर रहे हैं, जबकि इनकी सैलरी 18 से 20 हजार है, हमें मिल रही है 14,500 रुपए। सबसे बड़ा कोविड सेंटर ये है और आप लोग साथ अनदेखा किया जा रहा है, क्या कहोगे? अनदेखा करा जा रहा, अरे नाइट वाले बंदे इनके लिए तो कोई वो ही नहीं है, नहीं मालिक आता नहीं कोई आता देखने से, तो क्या
कहना चाहोगे सरकार से, कहोगे कि सरकार तो कह रही है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अमित शाह और केजरीवाल यहाँ आके अपने यहाँ जगह वो चेक करे कि भाई वर्करों से बात करे कि भाई अपने के तुम्हें सैलरी कैसे नहीं मिली टाइम से, और मालिक को बुलाया जाए, एमसीडी के भी सारे वर्कर बुलाए जाए यहाँ पे, जो है मालिक जिसने टेंडर इशू करा उसको बुलाया जाए, केजरीवाल को भी और अमित शाह को भी जिसने यहाँ का उद्घाटन कराया, मोदी को बुलाया जाए। चलो।